तो और यार क्या हाल चाल आ चुका हूँ। एक और वीडियो लेके और गाइज आ चुके हैं जॉर्ज पुल में। और भैया पहले तो उतर जाते, थोड़ी बहुत गन बन लूट लेते जो कि काम आएगी हमारे आगे चल के। तो कुछ भैया जी हमारे सामने मतलब कूदा फांदी कर रहे थे, उनको निपटा देते पहले, फिर देखेंगे बाकी बंदों को जो कि बहुत देर से नाच रहे भाई ये। तो इस बंदे को गन भी मिल चुकी थी, सब चीज़ मिल चुकी थी, लेकिन बेचारा मतलब बेस्ट ढूंढ रहा था मेरे हिसाब से, जो कि मेरा हाथों लग गया। और पीछे से किसी ने हमको मारने की पूरी कोशिश की, भैया रुक जा तुझे मारेंगे यार, प्रसाद सबको देंगे धीरे धीरे, रुक जा AKM मत चला पीछे से, हमको पता तेरे पास AKM है, हम पे तुमसे कमज़ोर गन है, मानते हैं हम भाई, लेकिन रुक जा यार। मतलब आज प्लेन में बैठ के कसम खा के आया हूँ, सबको मारूंगा लेकिन एक एक करके मारूंगा यार, ऐसे परेशान मत किया करो जब हम किसी और से फाइट कर रहे हो जब। हाँ भैया जी कहाँ जा रहे हो, इधर भागे भागे। तो ये भैया जी को तो कुछ पता ही नहीं है, तो बेचारा मतलब निर्दोष बालक था लेकिन निपटा दिया गया। और भैया यहाँ पे एक बंदे को पकड़ के मेरे टीममेट ने वेयरहाउस में बैठा के रखा कि भैया आ जाओ उसको मारेंगे। तो भैया उसका फैसला कर देते, बहुत देर से बैठा रखा है इसको पकड़ के। तो भैया एक जॉर्ज पुल का लास्ट प्राणी जो कि भैया क्रेन के ऊपर चढ़ के बैठा है और लोगों को परेशान कर रहा है ऊपर से गोलियां चला चला के, तो इसका फैसला तो करना पड़ेगा भाई, नहीं तो ये मतलब जाने तो देगा नहीं यहाँ से, क्योंकि जो क्रेन पे चढ़ जाता पूरा नज़ारा रहता है, ऊपर से दूरबीन लगा लगा के देखता रहता है कौन किधर है कौन किधर है बस। तो भैया चलते इसका फैसला कर देते, नहीं तो ये दिक्कत देगा हमको फिर। तो गाइज कभी भी टावर पे चढ़ो तो अपने एक टीममेट को नीचे खड़ा कर दिया करो, जैसे मैंने खड़ा कर दिया है। मैंने अपने टीममेट को बोल दिया कि भाई तू नीचे से ADS दे, मैं इसको जाके निपटाता हूँ। तो मेरा टीममेट मुझे ADS दे रहा कि नीचे से अगर ये बंदा दिखेगा तो वो निपटा देगा, ऊपर मुझे दिखेगा तो मैं निपटा दूंगा। उसके बाद आते हम ये लाल लाल धुआं पे, लेकिन लाल लाल धुआं पे मन नहीं कर रहा था रुकने का, तो हम भी नहीं रुके क्योंकि डर लग रहा था थोड़ा सा, और डर हमारा सही निकला, डर हमारा मतलब बंदे भी थे यहाँ पर, बच गए कसम से बच गए। और भाई साहब यहाँ पे मेरी एक गन है बैरल नामक, जिस पे हम पर हमको पता ही नहीं कब बैरल पे मतलब हमने सोचा होलो लगा हुआ है लेकिन इस पे लग चुका था रेड डॉट, और तुमको पता ही रेड डॉट से मेरा स्प्रे कितना खतरनाक होता है, मतलब होता ही नहीं है भाई मेरे से तो स्प्रे ने के, मतलब थोड़ी भी लॉन्ग रेंज मैं बैरल चलाता हूँ, रेगुलर चलाता हूँ, तुमने देखा होगा पिछले कई गेम प्ले से, लेकिन बात यह है कि जब होलो लगा होता है मेरी गन पे तो ही मैं बंदे मार पाता हूँ, ये रेड डॉट से बंदे मारने की भैया बस की बात नहीं है मेरी। और यहाँ पे भाई मतलब आज पहली बार मेरे साथ कुछ अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम क्या हुआ है बता दूँ मैं तुमको, मेरे जो टीममेट है ना भाई दोनों सामने, भाई कसम से बता रहा हूँ मतलब शायद मैं पहली बार बचाऊँ नॉक होने के बाद, ऐसे मैं नॉक हो जाता हूँ ना तो पक्का वाइप हो जाती है मेरी टीम, लेकिन भाई आज जो टीममेट ने कवर दिया ना भाई, मतलब इनको दिल से मतलब अंदर से आवाज़ आ रही है इनके लिए, अच्छी अच्छी आवाज़ कैसे आती है भाई अंदर से, मतलब दुआएं निकल रही है इनके लिए अंदर से, ऐसे बोलना चाह रहा हूँ, समझ जाया करो यार, बालक तो हूँ मैं, मेरी बातें थोड़ी बहुत समझा करो तुम भी। तो भैया रेड डॉट से हमसे गन चलती नहीं है, तो हम इस रेड डॉट को बदल लेंगे पीछे, कोई दिक्कत नहीं है, अभी हमको पता चल चुका है भैया रेड डॉट गलत ही लगा हुआ है इसके ऊपर। और मुझे लगा कि भैया यहाँ पे सब कुछ निपट निपट गया, लेकिन सामने स्मोक विस्मोक हो रहा है तो उधर भी चल के देख लेते भैया कोई बैठा हो लास्ट वास्ट बंदा। जो कि भैया टीम का लास्ट एनिमी यहाँ पे बचा हुआ था, इनकी एनिमी मतलब लास्ट बंदा कुछ भी मान लो उसको, जो कि मर गया बेचारा। और भैया उधर मेरे बंदे को कुछ एनिमी के हेड दिखते हैं तो उनको जाके फोड़ना पड़ेगा हेडों को, चलते आगे। यहाँ से मुझे मिल जाती है WWM जो कि तुमको पता ही कितनी खतरनाक गन है, और मैं इस पर ढूंढता हूँ मैं इनकी भाई कहीं से होलोग्राफ मिल जाए मुझे, लेकिन भाई साहब ये तो खुद ही भिखारी है, इसके पास कुछ नहीं। तो गाइज मैं वॉइस ओवर में ऐसे कुछ मतलब एनिमी लोग को भी अपने टीममेट्स को भी किसी को भी मतलब ऐसे बोल देता हूँ, अभी मैंने बोल दिया गलत शब्द की भिखारी, तो यार ऐसा मत समझा करो कि इसने मतलब कुछ ये ऐसे सोचता लोगों के बारे में, भाई मैं सोचता पोचता कुछ नहीं, देख मज़े के लिए बोल देता हूँ, बाकी बाकी कुछ नहीं, मतलब मैं मज़े के लिए बोलता हूँ ये चीज़ें कि जिससे आपको एंटरटेन मतलब आपको बोरिंग नहीं लगे गेम प्ले देखने में, मज़ा आता रहे तुमको, इसलिए मैं ये चीज़ें बोलता हूँ। नहीं भाई मैं तो मतलब चुपचाप ऐसी वॉइस ओवर कर दूंगा जो तुमको देखने भी मज़ा नहीं आएगा और ऐसा ही लगेगा तुमको यार क्या बोल रहा है, मतलब गेम के बारे में बके जा रहा और कुछ बोल ही नहीं रहा। तो यार एंटरटेन करने के लिए थोड़ा बहुत मतलब
वो जब और उल्टा सीधा कुछ भी हो जाता है तो उसको एडजस्ट कर लिया करो, मतलब बुरा मत माना करो इस बात का। कि बाकी देखो एनिमी भी अच्छे होते हैं लोग, बाकी टीममेट भी अच्छे होते हैं, सब बढ़िया है दुनिया में। पबजी खेलने वाले जितने भी प्लेयर्स हैं सबके लिए, मतलब पबजी नहीं गेमिंग खेलने वाले सब लोगों के लिए, मतलब ऐसा कुछ नहीं है अंदर से मेरे, लेकिन वो मज़े के लिए बोल देता हूँ तो समझ जाया करो तुम। और भैया यहाँ पे AWM चला के हमने इसको नॉक कर दिया, तो अब सीधा रस मार देंगे भैया इनके ऊपर। जो कि भैया मैंने पहले नॉक करना इसलिए ज़रूरी समझा कि इसको नॉक नहीं करता ना, तीनों के तीनों सपेरे इधर कितने भी लोग हो, मतलब तीन चार हम पे स्प्रे कर दे और क्या पता हमको रास्ते में एक दो को गिराई देते। और एक तो पत्थर के ऊपर फैला हुआ है तो इसको निपटाते पहले तो जल्दी से। जो कि भैया जान बचाने के लिए स्मोक के अंदर चला गया, लेकिन भाई पांप भी मार दिया मैंने तो उसको। और गाइस एंडिंग जरूर देखना, एंडिंग में तुमको एक ऐसी चीजें दिखाऊंगा मैं भाई साहब, मतलब कतई मजा ही आ जाएगा तुमको तगड़े वाला। और भैया यहाँ पे अपार्टमेंट में कुछ बंदे करने लग रहे कैंप, मतलब मेरे टीममेट ने यहाँ पे बोला कि भाई जोन में चलते हैं, तो यार जोन हमसे ज़्यादा दूर नहीं था, तो मैंने सोचा भैया अब इनके सामने अगर जोन यहीं पे होता तो मैं मज़े लेता, टीपी पे लेते हम इनके सामने टीपी ले लेके खेलते। तो यार टीपी का टाइम है नहीं, देखो एक डेढ़ मिनट में जोन स्टार्ट हो जाएगा, और जोन आ गया ना तो भाई उनको भी दिक्कत होगी एनिमी लोग को और हमको भी दिक्कत होगी, तो इससे अच्छा है भाई या तो मर जाओ या मार दो, ही काम आते हैं दिन, तो ये फैसला कर देते जल्दी डेढ़ मिनट में, नहीं तो यहाँ से निकलना भी है भाई डेढ़ मिनट में। अब ये तो है नहीं कि जोन ऊपर ही बना हुआ है यहीं पे मज़े लेते रहेंगे, अगर जोन बना होता तो मैं गारंटी से मज़े लेता इससे, मतलब या तो हम मरते या इनको, तो अब तो एक ही चीज़ करेंगे या तो हम मरेंगे या मारेंगे, पहले तो हम मज़े लेके खेलते हैं ऐसे टीपी भी ले लेके, अब टीपी भी नहीं लेंगे भैया हम तो सीधा रस करेंगे। तो भैया जैसे मैं ऊपर जाता हूँ तो दो बंदे वहीं पे बैठे हुए, तो ऊपर जाने कोई मतलब नहीं, बहुत बुरा मारेंगे मुझे क्योंकि मैं अकेला हूँ, मैं एक को नॉक करूँगा लेकिन दूसरा मुझे लपेट ही देगा भाई, तो मैं नहीं जाऊँगा भैया। आग बाग जला ली उन्होंने, मतलब सर्दियाँ लग रही है अभी भाई साहब, उसको तापने लग रहे हैं वहाँ पे। तो मैंने कि भैया आग वाग ख़त्म हो जाए इनकी फिर ऊपर चलेंगे, लेकिन ऊपर से पहले जाने से पहले वो बंदा नीचे कूद चुका है तो इसको निपटा देते हैं भैया को। जो कि भैया लास्ट का अपने टीममेट का मतलब अपनी टीम का लास्ट बंदा था, और भाई यहाँ पे दो टीमें समाई हुई थी, मतलब टीपी भी चल रही थी बहुत देर से एक दूसरे के सामने, हमने आके इनका फैसला किया, मतलब अच्छा काम किया हमने। तो एक टीम का तो इधर ऑल डेड कर दिया मैंने, और एक टीम को और बचा हुआ लास्ट बंदा था इसको निपटा देते भाई। और यार गाइस उसके बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं जहाँ पे कि भाई सामने मतलब छोटी मोटी हलचल हरकतें दिख रही थी हमको उधर होती हुई, तो मैं वैसे गोली मार रहा मैंने कि किसी को लग जाए यार। तो एक बंदा छोटा सा नन्ना सा दिखता मेरे को थोड़ा सा, और उसको एक शॉट पड़ चुका है बॉडी शॉट, ठीक है एक और पड़ चुका है, और भाई साहब दो पड़ गए फिर भी नॉक नहीं हुआ बंदा, लेकिन तीसरे में नॉक हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चार गोलियों में मरा एक बंदा हुआ उनकी, मतलब ये गोलियाँ इसके बाल फालों में लग रही होगी, जब से बाल फालों में मतलब चुट्टी वुट्टी में लग रही होगी, चुट्टी में तो सीधा ही मर जाता लेकिन पैर पैरों में लग रही होगी, पैरों की उंगलियों में या हाथों की उंगलियों में लग रही होगी, इसलिए इतना डैमेज नहीं हो रहा था ये बंदा। तो एक बंदा वहाँ पे मर के गिरता, मैं सोचता हूँ कि नॉक हुआ भाई साहब, पता चलता उसकी तो ओल्ड डेड कर चुका है लोग बागों ने। तो एक गाड़ी निकल चुकी है जो कि भाई साहब पूरा का पूरा एक ही क्लैन के बंदे हैं, जिनका नाम पढ़ लेना तुम, मतलब KNIGHT नाइट वाले उसके बंदे हैं ये क्लैन के। एक भैया जी को तो किलर को मतलब नाइट किलर को तो हमने यहाँ पे गिरा दिया, ठीक है। तो देखा गाइस मतलब अगर रेड डॉट लगा होता ना यहाँ पे बैरल पे तो भाई निमरता मेरे से ये बंदा, नहीं गिरता गारंटी की बात लिख के दे सकता हूँ मैं, लेकिन जब होलो लगा होता है ना तो मैं भाई बहुत दूर मार देता हूँ होलो से बैरल पे, पता नहीं क्या चक्कर है मैं क्या यार, तुम भी चला के देखोगे ना कभी तो मर जाएगा बंदा। और अटैचमेंट तो तुमने देख लिया मैं क्या लगाता हूँ बैरल में, और तुम अपना पसंद से कुछ भी लगाओ वैसे, लेकिन मैं यही लगाता हूँ वर्टिकल ग्रिप और कंपनसेटर, बाकी एक्सटेंडेड मैग तो होना नहीं होना बराबर सी बात है। और देखो नाइट जोकर उसका दूसरे क्लैन का बंदा जो कि मेरे नेट से नॉक हो गया, और इनका लास्ट बंदा भाई मैंने सोचा वही होगा लेकिन मुझे निपटा देगा भाई, पीछे की तरफ बैठा हुआ भाई साहब। तो नाइट शूटर भाई साहब इधर बैठे हो, मतलब नाइट किलर पहले मर गया, नाइट जोकर जोकर ही था कि शायद ऊपर नॉक हुआ वो शायद जोकर ही था, और ये नाइट शूटर वाला जो इधर की तरफ बैठा हो M249 लेके जो भाई मुझे नॉक कर देता है, तो मेरा टीममेट देखो अब कैसे निपटाता है इसको, मैं इससे मज़े लूँ। मैं सोच रहा कि यार ये कुछ ऑल पे बोले, क्योंकि एक किलर के बंदे होते हैं वो लगभग बोलते रहते, तो मैं इससे बातें करने की कोशिश तो नहीं, लेकिन मैंने ऑल पे मायक किया मैंने कि भाई ये कुछ बोल रहा हो तो मुझे सुनाई दे, लेकिन ये कुछ नहीं बोल रहा था। भैया आंखों के सामने धुआं धुआं मतलब अंधेरा अंधेरा होता जा रहा, धीरे धीरे कतई काली होती जा रही है रातें, और बचने का चांस बहुत कम है।
तो गाइज यहाँ पे मतलब मेरे टीममेट को ना तो मैंने कॉल दिया था ना किसी, मतलब कॉल दिया था लेकिन मेरे टीममेट ने दिया था दूसरे ने, लेकिन भाई मतलब जो जिंदा बंदा यार उसकी मर्जी तो नहीं, मतलब उसके पास जो नज़दीक होगा, पता नहीं क्यों उसने मुझे ही बचाया उसको नहीं बचाया। और अब देख लो तुम, बचा लिया जिसको, एक ही बच सकता था देखो दोनों में, या तो मैं बच जाता या फिर वो बच जाता, एक को तो मरना पड़ता या तो मुझे या फिर उसे। तो यार कंटेंट तो हम बना रहे थे तो यार कोई बात नहीं, मतलब हम बचा लिए उसने, तो अब उसकी मर्जी तो नहीं क्या यार, क्या कह सकते हैं यहाँ पे। खैर वो भी बच सकता था, मैं भी बच सकता था, तो उसने मुझे बचाया तो चलो कोई बात नहीं, इसको लेकर झगड़ा खत्म करते हैं। और मैं पीछे कूद गया, मैंने कहा यार मेरा टीममेट ने रस कर दिया, अगर टीममेट को यहाँ पे निपटा दिया जाता है तो भाई मैं पीछे संभाल लूँगा, चिकन डिनर निकाल लूँगा, लेकिन भाई टीममेट ही निकाल देता चिकन डिनर उठता जाके, कोई दिक्कत नहीं हुई भाई, कतई ईजी चिकन डिनर हो गया है। और यार गाइस उसके बाद ये क्लिप में तुमको मज़ा नहीं आया ना यार, तो भाई तुम मतलब लाइक कर दोगे यार इसको देखने के बाद, ऐसा सीन होने वाला ना यहाँ पर, कतई मज़ा आ जाएगा तुमको भाई, कतई तबाही कर दी मैंने बहुत तगड़ी वाली इलेक्ट्रिक बेस की सी बिल्डिंग को, मतलब कतई वो कहते हैं ना कि धुआं धुआं कर दिया पूरी सी बिल्डिंग में। तो यार गाइज ये स्प्रे ट्रांसफर करके जो मैंने मारा है ना बंदे को पीछे वाले को, अगर ये देख के मजा आया ना तुमको तो यार मतलब कर दो सब्सक्राइब यार चैनल को, और शेयर भी कर दो अपने दोस्तों के साथ जिससे कि यार थोड़ी हेल्प हो जाए हमारी भी। और भैया उसके तुरंत बाद मतलब एक टीम और पुश कर देती है मेरे ऊपर, तो इस वाली मतलब ये वाला जो कमरा है सी बिल्डिंग का वो उधर वाला, तो भाई उसमें तुम क्रेट गिनना कितनी क्रेट है, मतलब गिनना तुम कितनी क्रेट बिछा दी मैंने वहाँ पे, अभी तो और बिछने वाली है, अभी मतलब पूरी को नहीं। अब यार मैं अपने टीममेट को यहाँ पे रिवाइव दे सकता था, लेकिन यार मुझे डर लग रहा था कि नीचे से एक बंदा आने वाला है, लेकिन वो आया नहीं। अब यहाँ पे मेरी गलती थी थोड़ी सी कि मैंने टीममेट को रिवाइव नहीं दिया, तो इसके लिए सॉरी भाई, नहीं दे पाया रे भाई। और इस टाइम पे मेरे पास गोलियां नहीं थी तो पहले मुझे लूटना था भाई, नहीं तो अगर वो बंदे नीचे से रस कर दे तो मेरे पास कुछ नहीं, और वो बंदे रस भी करेंगे भाई, मैं अगर इसको रिवाइव करने बैठ जाता और कुछ नहीं उठाता ना तो कसम से भाई दोनों मरते और कुछ नहीं होने तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है, दोनों मर जाते हैं यहाँ पे। तो उन बंदों ने यार पुश कर दिया तो अब रिवाइव देने का टाइम भी नहीं है, तो मेरा टीममेट इसी बीच मर जाएगा, और इनको देखो कैसे निपटाता हूँ अब मैं। क्या हो गया भाई, मैं भूत आ गया उधर ड्रॉप से ला।